अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली चावल। हमने उसके लिए एक पॉपलेट मछली ले ली है। इसमें हमने टिक्का मसाला डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही और नमक डाल के हमने मैरिनेट कर दिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम उसके चावल बनाने चलते हैं। चावल बनाने के लिए हमने 4 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्चें लिए हैं, 2 प्याज स्लाइस में काट लिए हैं। मैं 1.5 गिलास चावलों का बना रही हूँ। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, बस इतनी ही चीज़ें डलेंगी। अब हम चलते हैं अपने पतीली की तरफ। ये हमने एक पतीली ले ली है छोटी सी। अब हम उसमें अपना ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम उस पर 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे, लौंग और काली मिर्च डाल देंगे। अब हम उसमें अपनी प्याज ऐड करेंगे। प्याज डाल दी है, अब इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है, अब हम उसमें अपनी टमाटर मिर्चें ऐड करेंगे। हमने टमाटर ऐड कर दिए, अब इसको गलने गलने देंगे। अब हम उसी में नमक ऐड करेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया था। अब हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। हमने बासमती राइस लिए थे, हमने इसको 1 घंटा भिगो लिया है। अब हम इसको धो के उसमें डाल देंगे। अब इसको उबलने देंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी बचेगा तो हम इसको धीमी आंच करेंगे। हमारे चावलों का पानी सूख चुका है, थोड़ा सा है। अब हम इसको धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए, अब हमने अपनी फ़िश को फ्राई कर लिया है। हमें किसी बड़ी चीज़ में फ़िश को फ्राई करना है जिससे ये आराम से आ जाए। अब जब ये हमारी फ्राई हो जाएगी तो हम अलग रख लेंगे। मछली चावल के लिए हम चटनी पीस लेंगे। उसके लिए हमने धनिया लिया थोड़ा सा, 1 टमाटर, लहसुन की कलियाँ, नमक और ज़ीरा, बस हमें यही सब चीज़ें लेनी है। अब हम इसको पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारी मछली चावल बनके तैयार है। कितने मज़ेदार और लाजवाब लग रही है। अब हम इसको अपनी चटनी जो हमने पीसी थी उसके साथ सर्व करें। खाए पिए और खुश रहें। अब मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।